नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज ग्रुप के जो बेहतरीन शेयर है। दोस्तों बजाज ग्रुप अपने आप में काफी बेहतरीन इन्वेस्टर के लिए ग्रुप है, क्योंकि इन्वेस्टर को ये काफी ज्यादा मालामाल किया इस ग्रुप के सभी स्टॉक्स ने। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज ग्रुप के जो बेहतरीन स्टॉक है, जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टॉक है बजाज ग्रुप का, वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये बहुत ही छोटी कंपनी है, एक कहा जाए तो एक मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी है। मात्र 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है और इस कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। साथ साथ ये कंपनी भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें इसके करेंट प्राइस का, 1,044 रुपये इसका करेंट प्राइस है। डिविडेंड यील्ड जीरो है, मतलब डिविडेंड कंपनी पे नहीं कर रही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13%। और वहीं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, 63% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें, 0.19 डेट टू इक्विटी का रेशियो है। और वहीं डेट की बात करें, 304 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। और रिजर्व की बात करें तो 1555 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। मतलब हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अगर बात करें इसके लॉन्ग टर्म में रिटर्न का, देखिए 1458% का ये रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। थोड़ा सा स्टॉक साइक्लिक रहा है, काफ़ी ज़्यादा अप और डाउन रहा है, इसको वोलेटाइल भी बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक वोलेटाइल रहा है। तो यहाँ पर आप हमेशा बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन रहेगा इस स्टॉक में, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी गिरावट मिलता है तो आप बाय ऑन डिप्स कीजिए और सेल ऑन राइज कर सकते हैं, और कुछ क्वांटिटी को हमेशा के लिए आप होल्ड रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक हो गया। दूसरा है महाराष्ट्र स्कूटर्स, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है इस ग्रुप का। और ये तो और छोटी कंपनी है, 4,300 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है। अगर बात करें इसके करेंट प्राइस का, 3,770 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस है। अगर बात करें इसके डिविडेंड का, 1.33% इसका डिविडेंड यील्ड है और 51% इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग है। डेट इक्विटी जीरो है, मतलब कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। और रिटर्न ऑन कैपिटल पर एक बार कहें, बहुत ही कम है, 0.07% रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम है। लेकिन कंपनी काफ़ी बेहतरीन, क्योंकि इसका ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, वहां से भी अदर्स इनकम प्राप्त होते हैं, इसलिए आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये सब काफी कम देखने मिला, लेकिन काफी जबरदस्त स्टॉक है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म में रिटर्न का, तो ये कंपनी काफी शानदार रिटर्न दिया है, 7,700% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, जो कि एक मल्टी बैगर रिटर्न है। साथ ही साथ बात करें करेंट जो प्राइस है, 3,800 इसका करेंट प्राइस है, और काफी सॉलिड रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। और साथ साथ अभी भी काफी चीप वैल्यू पे उपलब्ध है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम प्राइस है वो 5,000 के आसपास है, और अभी भी ये स्टॉक वहाँ से काफ़ी नीचे मिल रहा है। तो अगर और कोई भी करेक्शन आता है तो आप उस करेक्शन पे इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और इस ग्रुप का जो तीसरा स्टॉक है वो है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। जो बजाज ग्रुप की सारी कंपनी है उसके ये पेरेंट कंपनी है। आप जो आगे आने वाले जो भी स्टॉक्स देखेंगे, सबका जो भी शेयर्स बताएंगे आपको, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, उसकी पेरेंट कंपनी है ये कंपनी। अगर बात करें इसके मार्केट कैप का, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 3,677 का है। डिविडेंड 1% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, प्रमोटर्स होल्डिंग 50%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी जीरो है और टोटल डेट की बात है 136 करोड़ का है। और रिजर्व की बात है 37,000 करोड़ का है। तो मतलब हर पैरामीटर्स पे ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। अगर बात करें इसके लॉन्ग टर्म में रिटर्न का, तो देखिए काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, 2,323% का रिटर्न दिया है। तो ये भी अच्छा खासा रिटर्न है। लेकिन ये इस स्टॉक में सबसे बेहतरीन बात है कि आप बाय ऑन डिप्स करते हैं, सेल ऑन राइज। देखिए काफ़ी बार ये स्टॉक यहाँ काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिखाया है। देखिए यहाँ पर जो स्टॉक था लगभग 1,000, वहाँ से करेक्शन आया तो ये स्टॉक काफ़ी सस्ते प्राइस लगभग 224 रुपीज़ पे आ गया था। वहाँ से फिर से ये काफ़ी तेज दिखाया, फिर वहाँ से करेक्शन। फिर देखिए ये पैंडमिक से पहले ये स्टॉक लगभग 4,000 का था, वहाँ से काफ़ी बड़ा गिरावट इस स्टॉक में देखा। और बड़ी गिरावट के बाद ये स्टॉक ने रिकवरी भी काफ़ी फास्ट दिया और लगभग 16 रुपये पे स्टॉक मिल रहा था, और वहाँ से देख सकते हैं लगभग 4,000 फिर से जा चुका है। तो एक अच्छी कंपनी आपको इतना ज़्यादा बाय ऑन डिप्स का मौका देता है, तो आप वहाँ पर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं और सेल ऑन राइज। तो ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, अभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा रिटर्न आपको क्रिएट करके ये स्टॉक देगा। उसके बाद जो अगला स्टॉक है बजाज फिनसर्व, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। और इस ग्रुप की जो सबसे फेवरेबल स्टॉक्स है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, करेंट मार्केट कैप की बात है 1,87,000 करोड़ का मार्केट कैप है।
और बात करें करेंट प्राइस का 11,000 इसका करेंट प्राइस है, तो काफ़ी महंगे स्टॉक्स है। डिविडेंड यील्ड की बात करें बहुत ही कम है, 0.03%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.9, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.3, प्रमोटर्स होल्डिंग 60.8%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है 0.01%, ये तो निग्लिजिबल है, जीरो के बराबर है। डेट इक्विटी बात करें तो डेट इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर की है, तो ये कंपनी जैसे आपसे लोन लेती है दूसरे को देती है, तो बीच का जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो अर्न करती है। तो इस कंपनी का काम ही है एक से लोन लेना दूसरे को लोन देना, बीच का जो मार्जिन है वो अर्न करती है, मतलब एक से डिपॉजिट लिया दूसरे को लोन दिया बीच का मार्जिन अर्न करती है। ये कंपनी यहाँ पर आप देखते हैं कि फाइनेंस में है, इंश्योरेंस में है, वेल्थ मैनेजमेंट में है, इस तरह से कई सारी इसकी मतलब बजाज फाइनेंस इसकी सब्सिडरी कंपनी भी है, तो इस तरह से ये काफ़ी और कई सारी ज्वाइंट वेंचर भी है, इस तरह से काफ़ी अच्छी अर्निंग करती है इस कंपनी। और बात करें इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न का, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया लॉन्ग टर्म में, 2249% का लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा खासा सॉलिड रिटर्न है। लेकिन ये भी स्टॉक काफ़ी बार बाय ऑन डिप्स का मौका देती है, तो बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइज किया जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं स्टॉक जब काफ़ी सस्ते प्राइस पे आ जाए तो हम उसको बाय करते हैं, और जब काफ़ी महंगा हो जाए तो हम उसको सेल ऑन राइज करते हैं, तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं सेल ऑन राइज। तो लगभग यहाँ देखिए गिरावट में अब 4000 पर आया था ये स्टॉक, 4000 से अभी 11000 पर जा चुका है। तो इतने बेहतरीन स्टॉक जब हमें गिरावट में मौका दे तो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इस ग्रुप के जो सबसे फेवरेबल स्टॉक है, जो इन्वेस्टर के सबसे पसंदीदा स्टॉक है, वो है बजाज फाइनेंस। करेंट मार्केट कैप की बात करें 3,60,000 करोड़ का है, तो एक ब्लू चिप कंपनी है। बात करें इसके डिविडेंड यील्ड का, तो डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है 0.17%। करेंट प्राइस की बात करें 5,967 रुपीज़, लगभग 6,000 के आसपास इसका करेंट प्राइस है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 56% प्रमोटर्स का होल्डिंग है इसमें, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी की बात करें 3.57% है, तो डेट इक्विटी ज़्यादा इस पे मतलब इस कंपनियों पे डेट देखने मिलेगा ही, क्योंकि ये NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो आपसे डिपॉजिट लिया और दूसरे को जो लोन देता है बीच का इंटरेस्ट मार्जिन अर्न करती है, तो इसलिए इन सब कंपनियों पे आपको डेट देखने मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो ये स्टॉक मार्केट के सबसे फेवरेट स्टॉक या फिर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स हैं पिछले 20 सालों में। अगर पिछले 20 सालों में देखेंगे तो 1,00,000% से अधिक का रिटर्न दिया है, यहाँ पर दिखा रहा है 1,33,000% का रिटर्न। ये स्टॉक अगर गिरावट मिले तो ज़रूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। यह स्टॉक काफ़ी कम करेक्शन दिखा है, लेकिन जो गिरावट आया है जब भी तो काफ़ी ज़्यादा आया है। यहाँ पर देखिए 5,000 से गिरकर यह स्टॉक 1,700 पर आ गया था, 1,700 से स्टॉक 6,250 यानी कि 249 तक जा चुका है। तो इस तरह से इतना बेहतरीन स्टॉक गिरावट के बाद इतना फास्ट रिकवरी, तो जरूर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बजाज ग्रुप की 6 मुख्य स्टॉक्स थे। तो बजाज ग्रुप में आपको कौन सा स्टॉक सबसे बेहतरीन लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।